सभी दोस्तों को मेरा यानी आरएस चहल का नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रैक्टिकल आयुर्वेदा पे। आज मैं आपको एक दांत स्वपन दोष, वीर्य की कमी, वीर्य का पतलापन, बुढ़ापे की कमजोरी, कमर का दर्द, ऐसे सभी रोगों का एक सरल रामबाण उपाय जो कि लगभग घरेलू उपाय ही है। इसमें कोई ऐसी औषधि नहीं है जो ना मिले या हमें अवेलेबल ना हो। सभी औषधियां आपके आसपास मिल जाएंगी या पंसार की दुकान से आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। तो उसके लिए एक योग बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला फायदा है इसका कि इससे पेशाब के साथ जो धातु जाती है, वीर्य का पतलापन है, उसमें अच्छा कार्य करेगा, स्वपन दोष में अच्छा कार्य करेगा। कमर दर्द जिनको रहता हो उसके लिए अच्छा कार्य करेगा। और जो शुक्र संस्थान की कमजोरी हो जाती है, बार बार पेशाब आना, उसमें बहुत अच्छा कार्य करेगा। और ख़ास करके बात जो रोगियों के लिए, तो ये रामबाण योग ही है। वैसे तो इसको सभी प्रकृति के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें और इसको वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और दूसरा, आप सभी भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरे चैनल पे जो नुस्खे मैं डालता हूँ, आपके सहयोग से जो भी आपका इस चैनल को सहयोग मिल रहा है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें और मेरे इस मिशन में आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने में मेरा सहयोग करें। तो कई भाई जो है वो सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, ताल मखाना, कुछ गर्म औषधियों का कम्बिनेशन बना के खा लेते हैं, तो फिर उनको किसी को पेशाब में जलन ज़्यादा हो जाती है, किसी को संग्रहणी की समस्या हो जाती है, किसी के अंतों में छाले हो जाते हैं। तो ऐसी औषधियाँ आप वैद्य के निरीक्षण में ही बनवाएं। दूसरा, जिनको गर्मी है, मरीजों को पेशाब में जलन रहती है, उनको तो खास करके इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी औषधि लेने से पहले आप किसी वैद्य मित्र से ज़रूर संपर्क कर लें, उसको वो औषधियाँ बता दें, वो घटक बता दें। अगर उसको ठीक लगेगा, आपकी प्रकृति के हिसाब से सही लगेगा, तो वो आपको उसके बारे में ज़रूर बताएगा। अगर वो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है तो वो भी आपको ज़रूर बताएगा। लेकिन ये जो मैं आज का योग बताने जा रहा हूँ, इसमें गर्मी वाली कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, ठंडी औषधियाँ भी हैं इसमें, जैसे कि इसमें आंवला है और इसमें गिलोय का सत है, तो कुछ औषधियाँ ठंडी भी हैं इसमें, तो ये ज़्यादा गर्म नहीं है। इसे किसी भी मौसम में किसी भी प्रकृति का रोगी इस्तेमाल कर सकता है, इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपनी प्रकृति के बारे में थोड़ा किसी वैद्य से विचार विमर्श कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यूँ तो काफ़ी योग मैंने पहले भी शेयर कर रखे हैं इसी चैनल पे, तो आप अपनी बल और प्रकृति के हिसाब से आप बना सकते हैं। तो उसी कड़ी में ये एक और योग है, क्योंकि कई जगह पे कुछ औषधियाँ अवेलेबल नहीं होती हैं, कई जगह पे कुछ औषधियाँ अवेलेबल नहीं होती हैं, तो अलग अलग जो है योग बताने पड़ते हैं।
इसलिए ये औषधि तकरीबन सभी जगह पे उपलब्ध हो जाएगी। और दूसरा जो भाई संखिया या कोई और उष्ण औषधियाँ उनकी डिमांड करते हैं, तो उनसे मेरा निवेदन यही रहता है कि आप अपने शरीर की प्रकृति के हिसाब से ही औषधियाँ इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं है कि सभी को संखिया काम करे, ज़रूरी नहीं है कि सभी को सिंगरफ काम करे, ज़रूरी नहीं है कि सभी को सिद्ध मकरध्वज काम करे, ज़रूरी नहीं है कि सभी को केसर कस्तूरी जो है काम करे। तो ये चीज़ों का ख्याल रखें। तो आज के योग की तरफ चलते हैं, जिसमें आपने सबसे पहले आपके आसपास आपको मिल जाएगा सेमल का पेड़। तो उसकी छाल जो आपने अंदरूनी छाल होती है वो उतार के सुखा लेनी है। तो आजकल तो मौसम काफ़ी ठीक है, हवाएं चल रही हैं, तो उसको छाया में रख के सुखा लें और फिर उसका वजन कर लें। वो हमें 50 ग्राम चाहिए। सेमल का पेड़ तकरीबन सभी जगह मिल जाता है। दूसरी औषधियाँ जो हैं वो हमें पंसारी से मिलेंगी सारी। सफ़ेद मूसड़ी है जो अच्छे वाली जंगली सफ़ेद मूसड़ी के नाम से बोलते हैं, एक मार्केट में आती है डुप्लीकेट सफ़ेद मूसड़ी, जो कि मुंह में डालने से उसका पता चल जाता है कि ये मैदे वगैरह से बनी हुई है। तो सफ़ेद मूसड़ी जंगली वाली लेनी है आपने, वो भी 50 ग्राम। सिमल की जो जड़ मैंने आपको बताई है उसकी छाल अंदरूनी छाल साफ लेके उसका चूर्ण करना है सुखा के, वो भी 50 ग्राम। गिलोय सत, बैद्यनाथ, डाबर, पतंजलि किसी भी कंपनी का ले लें, क्योंकि गिलोय सत में कोई असली नकली वाली इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो 10 रुपए का आपको एक तोड़ा मिलता है उसमें थोड़ी शंका रहती है, क्योंकि इतना सस्ता गिलोय सत तो कोई भी कंपनी नहीं दे सकती। कम से कम 40-50 रुपए का 10 ग्राम जो अच्छी कंपनियां हैं वो इसका इनका रेट रखा हुआ है। सत गिलोय जो आपने लेना है ये भी 50 ग्राम लेना है। कौंच के बीज, इसमें भी असली नकली का भेद जरूर है, तो अच्छे वाले ले लें आप कौंच के बीज, काले कौंच के बीज। इनको रात को भिगो के रख दें, 70-80 ग्राम कौंच के बीज दूध में भिगो दें, तो सुबह इनका छिलका उतार लें और इनको साया में सुखा लें, फिर इसका वजन कर लें। ये वजन भी आपको 50 ग्राम चाहिए। 60-70 ग्राम मैंने इसलिए बोला है क्योंकि कुछ छिलका उतर जाता है। तो कौंच के शुद्ध बीज का चूर्ण भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आप अपने हाथ से शुद्ध करके बनाएंगे अच्छे वाले तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। कौंच के बीज का चूर्ण ये 50 ग्राम लेना है। गोक्षरू लेना है बड़े वाला, उसको साफ कर लें। उसमें कंकड़ मिट्टी बहुत होती है, क्योंकि जब उसको इकट्ठा करते हैं मार्केट में देने के लिए तो उसमें कंकड़ पत्थर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको आपने साफ कर लेना है। उसको साफ करके उसको जो कंकड़ पत्थर हैं उसके निकाल दें, वो भी आपने 50 ग्राम लेने हैं। आंवला, आंवले का पाउडर भी मिल जाएगा, और आंवले का जो है वो मज्जा निकाल के यानी उसकी गुठली निकाल के या तो आप खुद पाउडर कर लें। तो आंवला का पाउडर भी चूर्ण भी हमें 50 ग्राम लेना है। मिश्री भी हमें 50 ग्राम लेनी है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आपने इनको बारीक कर लेना है, अच्छे तरीके से पीस लेना है और 2-3 बार इनको छलनी से छान लेना है। तो औषधियाँ मैं दोबारा से आपको बोल देता हूँ एक बार। सफ़ेद मूसली का चूर्ण जो है 50 ग्राम, सिमल की जड़ की अंदरूनी छाल का चूर्ण 50 ग्राम, गिलोय सत 50 ग्राम, आंवला 50 ग्राम, शुद्ध कौंच बीज का चूर्ण 50 ग्राम, गोखरू 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम, और सभी चीज़ों को पीस के अच्छे तरीके से अंत में आप इसमें मिश्री मिला दें और फिर इसको किसी डब्बे में सुरक्षित रख लें। और इसकी जो मात्रा है वो अपने बल और हाजमे के अनुसार 5 से लेकर 10 ग्राम तक। अब कई बार ये हो जाता है कि हमें मात्रा का नहीं पता चलता, तो मात्रा किसी के पास, छोटे बड़े कंडे आजकल बहुत हैं, किसी शराब की दुकान पे, सन्यार की दुकान से आप
एक मात्रा 5-6 ग्राम की बनवा लें, तो उसी हिसाब से पुड़िया बनवा लें, या फिर आप जो छोटा चाय वाला चम्मच होता है उसको पूरा भरेंगे तो उसमें लगभग 5 ग्राम की मात्रा आती है, 5 से 10 ग्राम। मैं तो ये कहूँगा कि 5 ग्राम से शुरू करें। अगर आपको आपके हाजमे के बल के अनुसार ये आपको सही लगे, कोई पेट में समस्या ना पैदा करे, तो आप 10 ग्राम भी ले सकते हैं, 6-7 ग्राम भी ले सकते हैं। तो 5 से 10 ग्राम की उच्च जो मात्रा है वो 10 ग्राम ही की है, निम्न मात्रा है जो वो 5 ग्राम की है, मध्यम मात्रा है जो वो 7-8 ग्राम की है। तो जो थोड़े कमज़ोर हैं भाई वो 5 ग्राम कर लें, जो ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करते हैं, सेहत अच्छी है, वो 10 ग्राम ले सकते हैं, क्योंकि उनके हाजमे की वजह से उनको कोई समस्या नहीं पैदा करेगा। और इसका अनुपान जो है, भैंस का या गाय का दूध मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर गाय का दूध ना भी मिले तो भैंस का दूध हल्का उबाल लें, और ज़्यादा सख्त ना हो, सख्त कहने का भाव ज़्यादा जिसे हम कहेंगे कि गाढ़ा ना हो, तो उसको थोड़ा पतला करके उबाल के उसके साथ लेना है सुबह शाम। और इसका इस्तेमाल आप कम से कम 1 महीना ज़रूर करें, कम से कम 1 महीना, हो सके तो ज़्यादा कर लें, लेकिन 1 महीना तो कम से कम कोई भी आयुर्वेदिक औषधि है उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। कई भाई मैंने देखा है फ़ोन करते हैं कि जी मैंने 5 दिन 10 दिन पतंजलि वालों की स्टोर से दवाई ली थी, 5-10 दिन उस वैद्य से दवाई ली थी, 5-10 दिन मैंने वहाँ से दवाई ली थी, फिर मैंने इंटरनेट से देखा, मैंने खुद बनाई दवाइयाँ। तो ऐसे अपने शरीर को आप प्रयोगशाला मत बनाएं, एक आदमी पे आप भरोसा करें, एक वैद्य पे भरोसा करें, चाहे किसी के भी, आपको जो जो आपके मन में अंदर आपके विश्वास हो कि हाँ जहाँ से मैं ठीक हो सकता हूँ, तो उस पे एक आदमी पे भरोसा करें, और उसकी दवाइयाँ कम से कम 1 महीना चलाएं। अगर 1 महीने के बाद भी लाभ नहीं होता है तो उसकी दवाइयाँ बंद कर दें, बेशक बंद कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर 1 महीने में भी लाभ नहीं मिलता है, अगर आप 10-15 दिनों में दवाइयाँ बंद करके कहीं और से ले लेते हैं, कहीं और से ले लेते हैं, तो इसमें आपका पैसा, सेहत, समय सभी नुकसान होता है। दूसरा, कई बार फ़ोन बिजी होता है मेरा, कई बार मैं परिवार में बैठा होता हूँ 5 बजे के बाद, तो उस टाइम मैंने फ़ोन कई बार नहीं भी पिक कर सकता। और कई भाई तो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि जैसे मेरे पास कोई पंसार की दुकान हो, तो माफ़ करें, मेरे पास कोई पंसार की दुकान नहीं है। जो आप दवाइयाँ औषधियाँ मैं आपको बताता हूँ वो आपको आसानी से आपके आसपास या फिर पंसार स्टोर से मिल जाती हैं, तो मैं बताता रहता हूँ सभी को पूरे डिटेल से। मेरी कोशिश रहती है कि मैं पूरे डिटेल से बताऊँ आपको, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी समझने में आपके रह जाती है, या मेरे समझाने में कमी रह जाती है। तो आप जो है वो सही जानकारी, जो चीज़ पूछने वाली है उतनी ही पूछें। अब आप ये बार बार ये पूछेंगे कि जी आपके पास ये सफ़ेद मूसली का पाउडर मिल जाएगा, या आपके पास संखिया मिल जाएगा, तो आपको किस पर्पज़ के लिए चाहिए भाई, मेरे को कम से कम ये तो बता दो। अगर आप मेरे को अपना पर्पज़ बताएंगे कि हमने इस चीज़ में डालना है, मैं आपको सही तरीके से गाइड कर सकूंगा और आपको बता सकूंगा कि आपको कहाँ से अवेलेबल होगा। लेकिन अब सीधे ही आप ये पूछते हो कि मेरे को कौच बीज चाहिए, शुद्ध कौच बीज, मेरे को संखिया चाहिए, मेरे को सिंगरफ चाहिए, तो भाई आप सबसे पहले तो अपने शरीर की प्रकृति के हिसाब से दवाई इस्तेमाल करें, दूसरा आप जो है वो ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए पंसार की दुकान से आपको मिल जाती हैं, वहाँ से लें, इस्तेमाल करें, और जागरूक रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाएँ आयुर्वेद के संबंध में। और इसके साथ परहेजों की बात करते हैं, वो शायद परहेज मैंने बताए नहीं हैं। पहले तो मैं परहेजों की बात आपको करूँ, खट्टी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने बंद रखनी है। और जो अपने हलवाई के यहाँ से चीज़ें हमें मिलती हैं, वो पता नहीं कैसा कैसा ऑयल यूज करते हैं उनमें, तो वो सभी चीज़ें बंद रखनी है हमने। और जो फ्रूट्स हैं, मीठे फल जिन्हें हम बोलते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, दूध लें, घी लें,
बात और कफ़ी रोगी दही वगैरह ना लें। बाकी तो जो परहेज हैं उसमें आप बस 5-6 गिलास पानी दिन में ज़रूर पिएं, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी हो, ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो। एकदम फ्रिज से निकाल के पानी पीना भी ठीक नहीं है, और ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं पीना चाहिए। कब्ज ना रहने दें, कब्ज हो तो शाम को 1 चम्मच इसबगोल का छिलका दूध में डाल के पिए, उससे पेट में मरोड़ वगैरह भी नहीं उठेगी और पेट भी बिल्कुल साफ हो जाएगा। पहली बात तो कब्ज तभी होती है जब हमारा खान पान सही नहीं रहता। सुबह कुनकुना पानी पी के अगर हम 1 किलोमीटर तक चलेंगे तो हमें कब्ज की शिकायत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। चाय कॉफ़ी ये भी बंद रखें, हो सके तो बंद रखें, नहीं तो कम पिए। और नमक जो हमारी रसोई में है, थैली वाला जो हम सफ़ेद नमक, वो एक किस्म का जहर है, उसकी जगह पे सेंधा नमक इस्तेमाल करें। शाम के खाने के बारे में मैं अक्सर बताता हूँ कि शाम का जो खाना है वो आप 4-5 बजे जरूर कर लें, 5-6 बजे कर लें, लेकिन ज़्यादा लेट ना करें। यानी ये नियम बना लें कि सोने से कम आपने 4 घंटे पहले आपने खाना खा लेना है, हर हालत में खा लेना है। अगर फिर भी कोई मजबूरी है, आप ऑफिस से लेट आते हैं, काम से लेट आते हैं, तो खाना खा के थोड़ा इधर उधर टहल लें, और खाना बिल्कुल हल्का, बिल्कुल लाइट, शाम का भोजन बिल्कुल हल्का करें, उसमें सलाद और सब्जी ज़्यादा, चपाती कम लें। तो ये नियम संयम हैं। वैसे तो मैंने नियम और संयम के लिए स्पेशली एक वीडियो डाल रखा है, उसके अकॉर्डिंग नियम परहेज रखें, बाकी ये योग बनाएं और इसका इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं।